लगाए फोन बाबूजी, पूरे दिन घर में ही पड़े रह रहे हो हैं, कुछ काम धाम मत ना कर लियो। जब मैं कोई काम ही ना दे तो मैं क्या करूं? जैसे जैसे करवा के नौकरी लगवाई हमने, ठीक है, वहां भी तो घुसा बजा के चला आया हो, और उनकी ऐसी ऐसी करवाई आया हो, सब इनकी कंपनी में तोड़ ताड़ के चला आया हो, तो कोई क्या काम करा करेगा तुझे? और क्या करवाओगे, ऐसी बेइज्जती करवाओगे हमारी, पता नहीं बुद्धि आ गई। चाचा के फुल फॉर्म में का होगा? कहा होगा कुछ ना हुआ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्यों? पर तू यह बात भैया भाभी मत ना बताइए, ठीक है? और जब मैं कुछ बन जाऊंगा ना, तभी वापस आऊंगा, अपना ध्यान रख। बात कुछ समझ न आए, अरे ज्योति 4 बज गए, गौरव ना आया। देखे 4 बज गए गौरव पे, देखे फोन करके, कहाँ रहे वो, सुबह को गया हुआ, इतना लेट तो कभी भी ना हुआ। आयो ना अभी ना, फोन ना उठा रहा, काट दियो। पता ना कहाँ होगा, किस हाथ में होगा, रोटी भी खाई है जन ना खाई। अरे खा ली होगी, ऐसे कहो भूखो बैठो, पता का का खावे, बर्गर सर्गर ने चौमिन वोमिन खाते रोले, वहाँ खा ले अपने आप, तू की चिंता कर रही है? जब चाचा यहाँ रहे जब तो तुम उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहो, रोटी को बिना पूछती, और अब उनकी चिंता कर रही हो। कहा होगा, क्या चाचा कर रखी है? कुछ भी ना, चाचा उसको आ गया थी तुमने सुबह? कुछ भी ना, मैं वे ऊपर बैठे उदास बैठे हैं, वे मुझके गए, मैं घर छोड़ कर जा रहा हूँ, जब कुछ बड़ो बनो जब ही आऊंगा। अरे हो जाने, अरे क्या हो गया गौरव, कैसे उदास बैठा? कुछ ना यार, बस वही भैया भाभी, रोज घर में वही लड़ाई, पता ना मुझे तो कुछ समझते ही ना यार, जैसे मैं उस घर का हिस्सा ही ना हूँ। अरे कोई बात ना यार, वे बड़े हैं, भैया भाभी है तेरे, माँ समान, माँ बाप समान है, वे तेरे बुरा नहीं सोचने के, तेरे लिए अच्छे के लिए सोचेंगे। अरे यार जब बताओ, मैंने हर जगह ट्राई कर लिया, कहीं भी मेरी नौकरी ना लगी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी मैंने सोच लियो कि अब मैं जब कुछ बन जाऊंगा ना, जब भी उनके पास वापस जाऊंगा, बहुत होगा यार। चल ठीक है भाई, अपना ख्याल रखना। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, भैया भाभी मत ना बताइए कुछ भी, ठीक है? चल कोई ना। आज गौरव गए हुए पूरे 3 साल हो गए, ठीक है? और जब सुबह गया हो, जब एक बार भी फोन करके ना बुझी उसने कि भैया भाभी ठीक है ना है, और जब हम कभी फोन करे ना तो फोन उठाते ना हमारे। देख लो तुम्हें, भैया भैया करे जाओ, भैया तुम्हारी चिंता है तनक में। तुम चुप रह करो और बस उनकी गलती निकालते रहो, तुम्हें कुछ पता उनके बारे में? उनकी इतनी गलती ना है, जब वो यहाँ रह रहे तो तुम उनसे बेर बेर लड़ेगी रही। और हाँ, अपने दिमाग में से गलत फहमी निकाल दो, क्यों ना हमारी चिंता ना, ऐसा कोई दिन ना जाता हो जिस दिन चाचा को मिलते रहो मैसेज ना आता, वे डेली पूछे हैं, उस मैसेज करके भैया कैसे है, भाभी कैसी है, ज्योति ठीक है या तू ठीक है, ठीक है ना? और हाँ, तुमने 3 साल में 30 बार भी फोन ना करो, होगा उनको दोहरा। और रिंकू रिंकू देख, हमारे गौरव गाना हो यूट्यूब पे, और देख यहाँ पे व्यू भी 9 लाख से ऊपर हो रहे हैं। तमाम भी पता चली है? हाँ अभी पता चली है ना, इनके गाने बारात में बाजे हैं। अच्छा, एक कोचिंग में एक लौंडा बता रहा हूँ। अच्छा है? हाँ, फिर मैंने बताई कि वो मेरे चाचा हैं, तो मेरी बात सुनकर चौंक गए, तो मुझे लगा भाई मिलवा बना आवाज। और फिर मैंने एक दिन चाचा बुलाया कोचिंग में, सबन ने फोटो खिंचवा गए, जब से मेरा सिक्का चला है कोचिंग। अच्छा जी, अब तू सब काम छोड़ और गौरव पर फोन मिला, और वो अपने कपड़ा वपड़ा लेकर यहाँ आ जाओ, मेरे दोनों ही रह गए। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। अरे गौरव, तू कहाँ हो तू इतने दिन तक? मैंने
तेरे फोन मिला था ना, एक दिन भी फोन ना उठाया मेरे, और ना तेन आज तक भी न पूछी कैसे हो, कैसे रहो, किस हाल में रह रहे हो ना। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। अरे पागल, माफ तो तू हमें कर दे, हमने तुझे कितना डांटा कितना धमकाया। नहीं भैया, इसमें तुम्हारी कोई गलती ना है, आपने तो अपने बड़े भाई होने के नाते पूरा फर्ज निभाया, और आपने जो भी कुछ किया मेरे भले के लिए किया। तुम मुझे मेरे अच्छे के लिए समझाते थे और मुझे ऐसा बुरा लगता था, लेकिन उस दिन अगर तुम और भाभी मुझे यूं डांट कर ना समझाते तो मैं आज भी घर पर बेरोजगार ही पड़ा रहता, और आज मैं जो भी कुछ हूँ आपके डांट और गुस्से की वजह से हूँ। हेलो गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जरूर हमारी फैमिली की वीडियो कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी हो तो हम दोबारा जरूर बनाएंगे। तो जाओ जल्दी से वीडियो को देखो और फैला दो सारे में।